एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर्व विथ माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 65 करने जा रहे हैं। और इसमें भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका वीडियो नंबर 64 है ना, उसमें मैंने सेम क्वेश्चन को ना रिकर्शन मेमोरिजेशन से सॉल्व किया था। लेकिन याद करो 64 वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि मैंने सोच कर चला ही नहीं था कि वो डीपी का क्वेश्चन है। मैं लॉजिक लगाया, इंट्यूशन लगाया और वो फिर मेमोइज कर दिया था, वो डीपी में कन्वर्ट हो गया। सेम बॉटम अप में भी वही करेंगे। मैं सिंपल सोल्यूशन निकालूंगा, फिर बाद में वो खुद रियलाइज करोगे आप कि अरे यार ये तो बॉटम अप कर दिया हमने, ठीक है। इसीलिए पहले से मैं नहीं बताता कि भाई ये बॉटम अप है या क्या है, पहले इंट्यूशन तो लगाओ, रटना नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं। 799 मीडियम मार्क्ड है, काफ़ी ईजी होने वाला है। जिस तरह वीडियो नंबर 64 में सेम क्वेश्चन को मैंने ईजी बनाया था, ठीक है। शैम्पेन टावर आज 2D एरे के मदद से बनाएंगे इसको, फिर बाद में आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपने बॉटम अप कर दिया अनजाने में, ठीक है। गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन का, देखो क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन वीडियो नंबर 64 में बता रखा है ना, वीडियो नंबर 64 में। तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएंगे और आप खुद भी समझ चुके होंगे क्वेश्चन को। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने अप्रोच पर। आपको याद होगा कि, और पता है मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने पहले 2D एरे से बनाया था, रिकर्शन बाद में बनाया। और क्यों 2D एरे ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि देखो मुझे यहाँ क्लियरली दिख गया था 0.0, 1.0, ये जो इंडेक्सिंग दिखा ना मुझे, मुझे लगा कि अरे यार क्यों ना मैं 2D एरे में स्टोर कर लूँ इन चीज़ों को, ठीक है। मतलब देखो मुझे 2.0 का चाहिए था, राइट, मुझे 2.0 का चाहिए था, तो मैं क्यों ना ऐसा कर लूँ कि भाई एक 2D एरे बना लेता हूँ पहले ही, ठीक है। 0, 0, 1, 2, और भी बड़ा ले लो जितना भी आपको लेना है, ठीक है। 0, 1, 2, 2, 3, ठीक है। मैं बोला कि क्यों ना मैं डीपी अरे ले लूँ और इधर से आगे बढ़ना स्टार्ट करूँ, देखो कितना इजीली सॉल्व होगा। अब देखो कितना सिंपल होने वाला है। देखो 0.0 में कितने पानी डाला गया था, 4 पानी डाला गया था ना। तो मैंने क्या किया, 0.0 में 4 डाल दिया यहाँ पर कि भाई इस वाले ग्लास में, ये जो ग्लास है 0.0 में, उस पर 4 ग्लास पानी डाला गया, ठीक है। अब ये ध्यान दो, ये मेरा है रो इज इक्वल टू 0, ये मेरा है रो इज इक्वल टू 1, ये मेरा है रो इज इक्वल टू 2। अब देखो कॉलम कहाँ कहाँ पर है, इस रो इज इक्वल टू 0 में देखो कॉलम कितना गया है, कॉलम इज इक्वल टू 0 तक ही गया है। रो इज इक्वल टू 1 में देखो कॉलम इज इक्वल टू 0 भी है, कॉलम इज इक्वल टू 1 तक गया है। रो नंबर 2 में देखो कॉलम 0 से लेकर 1 से लेकर 2 तक गया है, ये रहा 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो देख रहे हो हर रो में कॉलम की वैल्यू 0 से लेकर रो की वैल्यू तक है। ये देखो यहाँ पर कॉलम जो है 0 से स्टार्ट हुआ, 0 तक खत्म हो गया। यहाँ पर देखो कॉलम 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे ख़त्म हुआ। कॉलम ये देखो यहाँ पर 0 से 1 तक गया, फिर 2 तक भी गया। तो कॉलम की वैल्यू कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, कॉलम 0 से स्टार्ट होता है, कॉलम लेस देन इक्वल टू जो भी रो की वैल्यू वहाँ तक चलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो मैंने क्या किया, अपना जो भी डीपी अरे है ना, जो भी मेरा 2D में बोल ही नहीं रहा, जो मेरा 2D अरे है, 0.0 में 4 ग्लास पानी था, मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा केस है, इस पर ध्यान देना, ठीक है, इस पर पूरी तरह से ध्यान दो। मान लेते हैं यहाँ पर जो भी पानी गिरता है, ये बंदा क्या करता था, हमेशा इधर पानी गिराता था, सॉरी शैम्पेन गिराता था, और इधर शैम्पेन गिराता था, ठीक है। तो ये 0.0 है ना, ठीक है, 0.0 है ना, तो देखो तो ये कहाँ कहाँ गिरा रहा है शैम्पेन को, 1.0 पर, और कहाँ गिरा रहा है, 1.1 पर। इसको अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो अगर ये i, j है तो यहाँ ध्यान दो i+1, j, और यहाँ पर देख दो i+1, j+1, वही तो हो रहा है। 0.0 है तो देखो i+1, j, मतलब 1.0 i+1, j+1, यानी कि 1.1, ठीक है। तो मतलब अब ये बंदा जो है 0.0, ये कहाँ कहाँ पर देगा, i+1, j+1 में, 0.0 पर हूँ अभी मैं, यहाँ से मैं कहाँ कहाँ शैम्पेन गिराऊंगा, i+1, j, यानी कि 1.0 पे, और i+1, j+1, यानी कि 1.1 पे, ठीक है। तो यहाँ पर गिरेगा उसका कुछ हिस्सा, और यहाँ पर गिरेगा 1.0 और 1.1 पे, यहाँ तक क्लियर है। और कितना गिरेगा वो आपको पता है, अब कैसे पता है वो मैं बताता हूँ। याद करो 0.0 पर जितना भी होगा शैम्पेन, ठीक है, जितना भी होगा शैम्पेन, उस पर कितना रह सकता है, सिर्फ एक ही ग्लास रह सकता है, तो एक ग्लास घटा दिया, ठीक है। और वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट और राइट साइड शैम्पेन गिराएगा, हाफ हाफ,
जितना भी बच गया ही है ना, तो वन तो उसने ले लिया 0.0 ने, तो माइनस वन कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया 2.0 से, क्यों, ताकि लेफ्ट और राइट हाफ में वो हाफ हाफ गिराए, है ना, यहाँ पर भी हाफ यहाँ पर भी हाफ, ठीक है, इधर हाफ इधर हाफ, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया कि एक्सेस इतना है, ठीक है, इतना वो गिरेगा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब मुझे बस क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आया, ये जो भी एक्सेस में वैल्यू आया वो मुझे इस पे डाल देना, और क्या, एक्सेस यहाँ पर भी डाल दिया, एक्सेस यहाँ पर भी डाल दिया, देख लेते हैं कितना आया, चार था यहाँ पर, माइनस वन किया बाई 2.0, कितना होगा देखना था, 3/2.0 यानी कि 1.5 राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आ गया 1.5, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1.5, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि देखो ऊपर एक ग्लास भरा होगा ना सिर्फ, बाकी तीन जो था वो इसमें हाफ आ गया, इसमें हाफ आ गया, ठीक है। अब मैं फर्दर यहाँ पर आता हूँ, वन पर आता हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान दो, मैं ना सिर्फ इस पर ध्यान देने बोल रहा हूँ, इस पर, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1.0 है, ठीक है, ये किधर किधर गिराएगा, i+1, j यानी कि 2.0 और i+1, j+1 यानी कि 2.1, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, देखते हैं कहाँ कहाँ गिराएगा, ये 2.0 है मतलब यहाँ गिराएगा और 2.1 पर गिराएगा, इधर गिराएगा ना, ये इधर और इधर गिराएगा, यहाँ तक क्लियर है। तो देख लेते हैं कितना गिरेगा यहाँ पर, कैसे निकालते थे, अभी मैं 1.0 पर हूँ ना, तो यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं, 1.0 हूँ यहाँ पर, -1/2.0, तो 1.0 पर कितना है, 1.5 था ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1.5, 1.5 माइनस वन 0.5, 0.5/2 0.25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0.25 आएगा और यहाँ पर भी 0.25 आएगा, देख रहे हो, 2.0 और 2.1 पे, 2.0 पे और 2.1 पर 0.25 है, देखो 2.0 2.1 पर 0.25 है, 0.25 है, लेकिन अभी ये भी तो है, इसको भी तो है, ये क्या है, 1.1 है ना, तो 1.1 से कहाँ कहाँ जाएगा, i+1, j यानी कि 2.1 और i+1, j+1 यानी कि 2.2, ठीक है। तो 2.1 पहले देख लेते हैं कितना होगा, 1.1 है ना, तो यहाँ पर 1.1 निकाल दिया एक्स्ट्रा, 1.5 था यहाँ पर भी, याद करो 1.5 था, माइनस वन किया बाई 2.0, इधर भी कितना हुआ, 0.25 हो जाएगा ना, ठीक है, 0.25 हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर 0.25 भर रहा हूँ, 2.1 पर, 2.1 पर देखो ऑलरेडी 0.25 था, है ना, तो यहाँ पर 0.25 और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 0.50 ऐड हो गया, और यहाँ पर भी 0.25 आ गया 2.2 पर, ये रहा यहाँ पर, देखो 2.1 पर डाला और 2.2 पर डाला, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसने इस पे इसमें डाला और इसने इसमें और इसमें डाला, यहाँ तक क्लियर, देख रहे हो सेम सिमुलेशन है, बस 2D अरे में हमने इसको मेंशन डिपिक्ट कर दिया बड़े आसानी से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर रो नंबर 2 पे है, इसके नीचे जाने की ज़रूरत है नहीं आपको, या तो आप जाके भर भी लोगे तो इट्स फाइन, ठीक है। आपसे पूछा कहाँ कहाँ का है, 2.0 का पूछा है, तो डायरेक्टली निकाल के दे दो, 2.0 का 0.25 है, यहाँ तक क्लियर है, 0.25 है। बस एक लास्ट चीज़ देख लो यहाँ पर, ये एग्जांपल को देखो, हमने 4 ग्लास पानी डाला यहाँ पर, मान लेते हैं आपने 4 ग्लास डाला, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पर एक तो फुल हो जाएगा एक ग्लास, ठीक है, ये भी एक ग्लास पूरा फुल हो जाएगा, एक ग्लास पूरा फुल हो जाएगा, एक एक, ठीक है, 1, 2, 3, और यहाँ पर 0.25 आएगा, इधर भी 0.25 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0.5, टोटल 4 ग्लास हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वो कैसे डिपेक्ट होगा, यहाँ पर मैंने 4 डाला था, ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है, 0.0 वाला ग्लास है ये, ठीक है, तो याद करो किसको भरता था ये, 0.0 किसको भरेगा, 1.0 को और 1.1 को, ठीक है, मतलब इसको और इसको भरेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना भरेगा, ये तो 4 यहाँ पर डाला हमने, बट उसने बस एक ग्लास ही रखा, तो बच गया कितना, 4-1, 3 बच गया, और उसको दो भाग में बांटना है क्योंकि दोनों हाफ लेफ्ट साइड और राइट साइड से गिरेंगे, 2.0 से डिवाइड कर दिया, तो 3/2 यानी कि 1.5, 1.5, तो यहाँ पर आ गया 1.5 और 1.5, बढ़िया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद देखो आगे आप क्यों ही बढ़ोगे, आपसे पूछा गया है रो वन ग्लास जीरो, इसका आंसर पूछा गया आपसे, ठीक है, इसका आंसर पूछा गया, तो क्या आप क्या करोगे, डायरेक्टली ये मेरा जो 2D अरे है, T ऑफ रो ऑफ वन और ग्लास ऑफ जीरो,
देखो तो कितनी वैल्यू 1.5 है, बट क्या 1.5 रख सकता है एक ग्लास? नहीं, मैक्सिमम 1 रख सकता है वो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता, बाकी जो आएगा वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 क्यों दिखा रहा हूँ मैं भाई, अभी तो दिखा रहा हूँ ना, अगर आगे सॉल्व करोगे ठीक है, तो 1.5 फर्दर क्या करेगा, अपने आप में 1 घटाएगा क्योंकि 1 उसने ले लिया, बाई 2.0 करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.25 नीचे भेज देगा और यहाँ पर 0.25 नीचे भेज देगा, वही होता था ना, बट मैं यहाँ पर रुक गया हूँ अभी, क्योंकि इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से ही पता कर लूँगा, क्योंकि मुझे 1.0 का पूछा गया है, इसी का बस पूछा गया है, बस इसका पूछा गया है। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर 1.5 है ना, ग्रेटर देन 1 है, जबकि मैक्सिमम 1 ही रख सकता है। तो मैंने आपको याद करो वीडियो नंबर 64 में भी बताया था कि रिटर्न जब भी करेंगे आंसर को, तो मिनिमम ले लेंगे 1.0 या फिर जो भी वैल्यू है वहाँ पर, है ना, 1.0 पर का आंसर पूछा गया है मुझसे, तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा, याद करो अभी इसकी वैल्यू 1.5 है और यहाँ 1.0, दोनों में मिनिमम कौन है, 1.0 मिनिमम, तो आंसर 1 होगा। और सही बात है, 1 होना भी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो 1.5 रहेगा ही नहीं, वो तो गिर जाएगा, मैंने फॉर लूप रोक दिया यहाँ पर, ठीक है, बट आगे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि वो कैसे कैसे नीचे ट्रैवल्स कर रहा है। सेम चीज़ बताया मैंने जो कि रिकर्शन वाले अप्रोच में बताया था। तो देखा जाए तो आपने यहाँ पर क्या किया है, एक चीज़ ध्यान दो इसका, देखो इसका आंसर कैसे निकला, ऊपर वाले से निकला, इसका आंसर कैसे निकला, ऊपर वाले से निकला, ठीक है, इन दोनों का आंसर कैसे निकलेगा, ऊपर वाले रो से निकलेगा, इनका आंसर कैसे निकलेगा, ऊपर वाले रो से आंसर निकलेगा। तो देखा जाए तो आप करंट का आंसर अपने प्रीवियस स्टेट से निकाल पा रहे हो, है ना, करंट का आंसर प्रीवियस स्टेट से निकाल पा रहे हो। यार बॉटम अप तो वही होता था ना, बॉटम अप तो इसी को बोलते थे, कि बॉटम अप में क्या होता है कि छोटे स्मॉलर स्टेट से हम बड़े स्टेट का आंसर निकाल रहे हैं, तो बॉटम अप बिल्कुल वही होता था, है ना। तो कितने सिंपल से हमने 2D अरे से सॉल्यूशन लिखा, लेकिन हमने देख लिया कि भाई ये कुछ है नहीं, एक्चुअली में ये बॉटम अप हमने लिख दिया है जाने अनजाने में, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्टली मैं बॉटम अप बोल के आपको बताता कि भाई ये बॉटम अप है, इसका स्टेट डिफाइन करो, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके मन में जो पहले इंट्यूशन आ रहा है पहले वो ड्रॉ तो करो। तो पहले मैंने ये ड्यूरी ड्रॉप कर लिया, फिर देखा सोल्यूशन कैसे आएगा इसका, तो सोल्यूशन बना लिया, फिर रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मैंने बॉटम अप ही लिख दिया है, राइट। तो देखा जाए तो जो मैंने स्टोरी बताई आपको कितना सिंपल है, वो सोचो मैंने जो 2D अरे डिफाइन किया तो उसका नाम T रख दो, मैक्सिमम वैल्यू 101 है, 100 है तो 101 मैंने लेकर रख लिया अभी के लिए, ऐसे ही लेकर रख लिया, ठीक है। और मैंने आपको बोल दिया था कि भाई T 0.0 में जो भी शैम्पेन है उसमें मैंने पूरा पानी डाल दिया है, पूरा शैम्पेन जितना था पोर्ड, है ना, डबल में कन्वर्ट करके डालेंगे, ठीक है, डबल में कन्वर्ट करके डालें क्योंकि डबल में डालना है ना, ठीक है, तो हमने डाल दिया। उसके बाद याद करो मैंने क्या बोला था, सिंपल फॉर लूप स्टार्ट किया था, ऊपर से रो इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था ना, और रो लेस देन इक्वल टू, याद करो कहाँ तक जाएंगे, क्वेरी रो, जहाँ तक का पूछा गया मुझसे बस वहीं तक जाएंगे, ठीक है, रो प्लस प्लस, सिंपल सा फॉर लूप है, कुछ फैंसी नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखो। और दूसरा देखो, कॉलम मैंने क्या बोला था, याद करो कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम हमेशा लेस देन इक्वल टू रो ही होगा, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, कॉलम प्लस प्लस, मैंने आपको ऊपर भी ये चीज़ दिखाई थी, है ना, ये देखो कॉलम 0, कॉलम 0.1, कॉलम 0.12, हमेशा रो के बराबर तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा कॉलम नहीं जाएगा, इसलिए देखो कॉलम लेस देन इक्वल टू रो है ना। आपको हर एक लाइन समझ में आना चाहिए, ये समझ में आया, ये भी समझ में आया, अब आगे का लाइन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा निकल जाएगा मेरे लिए, डबल एक्स्ट्रा, या तो एक्सेस बोल लो, एक्स्ट्रा मैं लिख लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्या होगा देखो, तो टी रो कॉमा कॉल, ये बंदा अपने पास कितना रखेगा, सिर्फ 1 रखेगा ना, तो -1.0 मैंने कर दिया, ठीक है, ये तो बचा कितना, इसने 1 रख लिया तो इसमें मैंने डाला था जितना उसमें -1 कर दिया, तो इतना बच गया, और बाई 2 क्यों कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक्स्ट्रा भाई, एक्स्ट्रा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो बांटोगे, एक्स्ट्रा ही अगर लेस देन 0 हो गया तो कहाँ से बांटोगे, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मुझे कहाँ कहाँ बांटना है, याद करो मैंने क्या बोला था, रो प्लस 1 कॉमा जे पर जाएगा, और रो प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1, जे बोले तो कॉलम हो गया एक्चुअली, मैं यहाँ पर मैंने आई जे ना लेके कॉल ले लिया, रो प्लस 1 कॉमा कॉल, रो प्लस 1 कॉमा कॉल प्लस 1, यहाँ पर किसको डाल दिया, जो कि जो भी मेरा एक्स्ट्रा था, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे क्योंकि और भी आ सकता है उसमें, तो ऐड करते चले जाएंगे, बस डाल दिया यहाँ पर, ख़त्म कहानी, फॉर लूप ख़त्म हो गया, और कुछ नहीं था, इतना ईजी था, ये बेकार में डराने वाला क्वेश्चन है, बस ये लंबा सा स्टेटमेंट दे दिया। हमें रिटर्न क्या करना है, मुझसे क्या पूछा गया है, क्वेरी रो और क्वेरी ग्लास, कितना है, जितना वैल्यू वो डाल देंगे, लेकिन अगर वो
वन से बड़ा है तो ऑब्वियसली सिर्फ वन ही रह सकता है मैक्सिमम, तो 1.0 मिनिमम, बस ख़त्म कहानी यार। इतना ईजी था सोचो। और ये फॉर लूप दो बार लिखा है मैंने, तो मैक्सिमम मान के चलो क्वेरी रो इंटू क्वेरी रो होगा, ओ ऑफ क्वेरी रो इंटू क्वेरी रो, क्वाड्रेटिक सोल्यूशन है बट स्टिल एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। तो जल्दी से चलो इसको सॉल्व करते हैं और हमारा फिनिश करते हैं इस अप्रोच को भी। तो चलो अपने बॉटम अप्रोच से भी करते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया था मैं एक सिंपल सा 2D array ले लूँगा, तो वेक्टर ऑफ़ डबल ले लेता हूँ, ठीक है। टी नाम दे देता हूँ उसका, मैक्सिमम साइज 100 था 101 ले लिया मैंने, ठीक है। वेक्टर ऑफ डबल 101, ठीक है। सबको 0.0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने बोला था ना कि 0.0 पर जो भी ग्लास है उसी पे तो पूरा पानी डाला गया ना ऊपर से, शैम्पेन, सॉरी यहाँ पर इसको डबल में कन्वर्ट करके डाल देता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने डाल दिया, ओके। अब मुझे कुछ नहीं करना, इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन इक्वल टू, क्वेरी रो तक ही जाऊँगा, उससे आगे जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और रो प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब देखो स्पेस को और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ इसको समझने का। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आप कर लोगे थोड़ा सा और सोचोगे ना, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो तक ही जाएगा, यहाँ तक क्लियर है, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो डबल एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, देखो टी ऑफ रो कॉमा कॉल में माइनस वन कर दिया, क्यों, क्योंकि एक ग्लास तो भर जाएगा उसमें, ठीक है। बाई 2.0 क्यों किया, क्योंकि भाई उसका हाफ हाफ लेफ्ट और राइट साइड से गिर जाएगा, और वो लेफ्ट और राइट साइड कहाँ पर है, नीचे रो प्लस वन कॉमा कॉल, यहाँ पर जाएगा वो एक्स्ट्रा, एंड टी रो प्लस वन कॉमा कॉल प्लस वन, यहाँ पर भी जाएगा वो एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन याद करो मैंने बोला था ना प्लस करके करना, क्योंकि हो सकता है किसी सेल में मल्टीपल जगह से आ रहा हो पानी, है ना, ठीक है, पानी नहीं शैम्पेन जो भी है। और ये तभी करना जब भाई एक्स्ट्रा ग्रेटर देन जीरो हो, तभी तो करोगे, है ना, एक्स्ट्रा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको ये हो गया हमारा ख़त्म, लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न टी ऑफ जिसके लिए पूछा गया, किसके लिए पूछा गया, रो क्वेरी रो और क्वेरी ग्लास के लिए पूछा गया। लेकिन अगर वो वन से बड़ा हुआ तब तो पॉसिबल नहीं है ना, वन ही रह सकता है मैक्सिमम, तो 1.0 आ जाएगा आंसर, मिनिमम इसीलिए लगा दिया। रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए, उसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमें क्लियर ही है, ठीक है। लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग आवर बॉटम अप अप्रोच भी, ठीक है। कोई डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।